मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पटना के जेपी गोलंबर पर वार्ड सचिवों ने जोरदार विरोध किया। प्रदर्शनकारी वार्ड सचिवों का 4 सालों से वेतन का भुगतान नहीं हुआ है, जिससे नाराज होकर वार्ड सचिवों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस ने पानी की बौछार की है और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को भगाया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी किया। प्रदर्शन कर रहे वार्ड सचिवों के समर्थन में आरजेडी विधायक भी सड़क पर उतरे। विधायकों ने मांग नहीं पूरा होने पर विधानसभा में सवाल उठाने का ऐलान किया। दरअसल इन वार्ड सचिवों को 4 साल कार्य कराने के बाद नौकरी से हटा दिया गया और मानदेय देने से पहले नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। प्रदर्शनकारी मानदेय और स्थायीकरण को लेकर सरकार से मांग कर रहे हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, विरोध किया जा रहा है और विरोध जब करने पहुंचे तो यहाँ तमाम पुलिसकर्मी आप देख रहे हैं मौजूद। मानदेय देने से पहले नौकरी की यहाँ बात चल रही है, मानदेय स्थायीकरण की मांग कर रहे हैं। इसके पहले भी मांग की जा रही थी, मांग नहीं माने जाने पर विरोध किया जा रहा था। पटना में आप देख रहे हैं जेपी गोलंबर पर ये विरोध प्रदर्शन जारी है। हालांकि पुलिस बल भी मौजूद और आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर पानी की बौछार भी की गई प्रदर्शनकारियों पर और साफ तौर पर कह रहे हैं कि देखिए विरोध आगे भी जारी रहेगा जब तक मांगे नहीं मांगी जाएगी। दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं कि वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है प्रदर्शनकारियों के खिलाफ। दूसरी तस्वीर आप ये भी देख रहे हैं कि लाठीचार्ज किया गया है, पुलिस ने किया है लाठीचार्ज प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए। और ये दो तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि प्रदर्शनकारियों को यहाँ से हटाया जा रहा है, भगाया जा रहा है। कुछ प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी किया है पुलिस ने। तो वार्ड सचिवों का ये विरोध प्रदर्शन जारी है।